नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे एंड आई एम योर मिंटोर शिवांश पसी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ आप लोगों को पता है कि डेली में एक लाख से ज़्यादा केसेस कोविड के हर दिन आ रहे हैं हर दिन हम लोग देख रहे हैं कि एक लाख के रीच तक को भी वो ब्रेक करके ऊपर तक हम लोग इंडिया के अंदर कोविड के केसेस देख रहे हैं यस yes, बात करें तो वैक्सीन डेफिनेटली लग रही है लोग रिकवर भी हो रहे हैं बट डेथ भी इंक्रीज हो रही है तो यहां पर हमें क्या करना चाहिए मार्केट बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो चुकी है मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलीटाइल हो चुकी है क्या मार्केट में अब हम लोगों को एग्जिट कर लेना चाहिए क्या मार्केट पे अब हम लोगों को अपनी होल्डिंग से एग्जिट कर लेना चाहिए क्या अभी भी हम लोग स्टे कर सकते हैं क्या अभी हम लोग मार्केट पे जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं मार्केट बहुत तेजी से मार्केट नीचे गिर सकती है क्या हम लोग स्टे करें मार्केट के अंदर क्या कोई ऐसा सेक्टर है जो हमें इस फॉल में भी बचा सकता है और हम लोगों को बढ़िया प्रॉफिट कमवा के दे सकता है तो यस वही स्टॉक में से वही सेक्टर में से मैं तीन स्टॉक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो कि मुझे पर्सनली लगता है और चार्ट्स के अंदर मुझे पर्सनली लगता है कि ये तीनों स्टॉक आपको बहुत बढ़िया रिटर्न शॉर्ट टर्म के अंदर दे सकते हैं मैंने ये बात आपको बोली है शॉर्ट टर्म यस इन्वेस्ट कर सकते हैं बट शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए हमें ज्यादा दूर के लिए नहीं सोचना मैं कह रहा हूं विद इन सिक्स मंथ्स या एट मंथ्स के अंदर अंदर आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं जिस तरीके से हम लोगों को लग रहा है कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं लोग वैक्सीन्स भी लगवा रहे हैं बहुत ज़्यादातर लोग हैं जो वैक्सीन्स लगवा रहे हैं मैं अगर अपनी नेबर की बात करूँ तो हमारे नेबर में हमारी कॉलोनी में भी बहुत ज्यादातर लोगों ने भी वैक्सीन्स लगवा ली हैं क्या करना चाहिए आप पॉइंट टू पॉइंट अगर मैच करके देखेंगे देखिए वैक्सीन्स लग रही है वैक्सीन्स लग रही है तो आपको किसी लैब में जाके वैक्सीन्स लगवानी पड़ रही है आपको पता है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो पूरे के पूरे फुल चल रहे हैं वहां पर बेड्स इतनी नहीं है कोविड पेशेंट्स के लिए तो किस तरीके से हम लोग करें जो लैब्स हैं लैब्स में हम लोग देख रहे हैं कि रेगुलरली बहुत ज्यादा टेस्टिंग हो रही है मैं अपने खुद के यहाँ पर आस पास वाले लैब में गया था जब मैं अपने रिलेटिव का टेस्ट करवाने गया था उन लोगों को वैक्सीन लग रही थी तो मैंने देखा था लैब के अंदर इतनी ज्यादा भीड़ है इतना ज्यादा क्राउड था एंड ऑटोमेटिकली मैं आपको बताऊं तो सारे के सारे लैब्स फुल है सो इससे आपको पता चल गया होगा कि कौन से स्टॉक कौन से सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं डायग्नोस्टिक लैब सेक्टर की बात हो रही है गाइस एंड उसमें से मैं बेस्ट तीन स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड उन तीन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे कि टेक्निकल के बिहेवियर में चार्ट्स के बिहेवियर में वो स्टॉक कैसा लग रहा है और आपका टारगेट्स स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए एंड आपको कितना बढ़िया रिटर्न वो प्रोवाइड करवा सकता है ठीक है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो लाइक करिएगा इस अगर आपको वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ऐसी एजुकेशन वाली वीडियोस हम और लेकर आते लाएंगे और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अगर आप लोग नए लोग हैं तो मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा इस चैनल के अंदर हम लोग आप लोगों को बताते हैं कि कल आप कौन से स्टॉक्स पर ट्रेड कर सकते हो जिन लोगों को नॉलेज नहीं है प्लस उसी के साथ नॉलेज भी प्रोवाइड होती है सो so, अगर आप ये सारी चीज़ें ऑन रेगुलर बेसिस सीखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में आप लोगों से एंड uh, तब तक बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आ गए अपने चार्ट्स की तरफ और तीन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहला स्टॉक जिसके बारे में बात करना चाहूंगा ये कंपनी अभी तक की मुझे फेवरेट लग रही है एंड आई थिंक कि अभी अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रही है और अभी भी इसके चांसेस हैं कि ये और नए हाईस ऑन अ रेगुलर बेसिस बना सकती है इस कंपनी का नाम है मेट्रोपोलिस आपको मैं यहाँ आप पर इसका सिंबल दिखा देता हूं कि आपको पता चल जाए आप देख सकते हैं मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर ठीक है तो इस पर्टिकुलर स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं एंड इस पर एक न्यूज भी आई थी मतलब दो महीने हो चुके हैं बट ये इसलिए एक पॉजिटिव न्यूज है अगर मैं आपको न्यूज की तरफ भी लेकर चलूं तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर आप इसका टाइटल पढ़ें हेडलाइन मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर टू एक्वायर हाईटेक डायग्नोस्टिक सेंटर इन कैश स्टॉक डील सो so, यहां पर हमने देखा कि किस तरीके से ये कंपनी एक्वायर कर रही है अदर लैब सेंटर्स को एंड अपनी जो रीच है उसको बहुत तेजी से बढ़ा रही है ये कंपनी अभी भी बहुत अच्छी है अभी भी अट्रैक्टिव लेवल्स पे है अभी भी आप इसे बाय कर सकते हैं एंड कोविड के केसेस अगर और बढ़ते हैं मार्केट अगर और फियर में आती है तो यही तीन स्टॉक्स आपको बचा सकते हैं तो चलिए चार्ट की तरफ बढ़ते हैं एंड यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ ओके सो so, चलिए थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं इस चार्ट्स पे एंड देखते हैं कि परफेक्ट एंट्री लेवल क्या हो सकता है एंड कहां तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर ओके सो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये एक छोटा सा माइनर सा रेजिस्टेंस था जिसे इसने ब्रेक कर दिया है लेट मी जूम अ बिट मैं थोड़ा सा जूम और कर देता हूं आपके लिए क्लियर हो जाए ओके एंड दिस एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक आपको क्लियर है आपको विजिबल है ठीक है सो so, हम देख रहे हैं कि एक रेंज के अंदर काम कर रहा था स्टॉक एंड आज ही के दिन इसने रेंज का ब्रेकआउट दिया है आज के दिन इसने रेंज का ब्रेकआउट दिया है तो कि एक अच्छे लेवल्स तक ऊपर जा सकता है यह पर्टिकुलर स्टॉक लेट मी टेल यू वन थिंग लेट्स मूव टू अ अन आर टाइम फ्रेम एंड वन आर टाइम फ्रेम पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा ओके सो वन आर टाइम फ्रेम पे यह थोड़ा सा वॉलिटाइल नहीं है तो लेट्स डोंट गो टू वन आ टाइम फ्रेम बट यहाँ पर हम और फीचर्स के बारे में स्टडी करते हैं ठीक है सो आई वॉज थिंकिंग टू मेक अ ट्रेंड लाइन एंड ट्रेंड लाइन से हमें एक चीज़ पता चल रही है कि एग्जैक्ट इस लेवल पर सपोर्ट लेके ये ऊपर गया है एंड लेट्स मेक एन एनअर ट्रेंड लाइन जो कि रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हुए ऊपर जा रही है So, आपको एक चीज यहां पर विजिबल हो रही है आप देख सकते हैं एक राइजिंग चैनल के अंदर ये पर्टिकुलर स्टॉक काम कर रहा है एक राइजिंग चैनल के अंदर काम कर रहा था उसी चैनल के अंदर हम लोग देख रहे थे कि एक दूसरा चैनल बना हुआ था और दोनों का ब्रेकआउट हमें आज के दिन देखने को मिला है बात करते हैं स्टॉक के टारगेट प्राइस की तो ये स्टॉक कहां तक जा सकता है आपको पता होगा कि अगर एक चैनल का ब्रेकआउट आता है तो उस हम एज्यूम लगा के चलते हैं कि उसका 50 परसेंट हमारा फर्स्ट टारगेट होता है एंड पूरा का पूरा चैनल हमारा सेकंड टारगेट होता है ठीक है तो चैनल का बॉटम बात करें तो 1850 है चैनल की मैं टॉप की बात करूं तो वो 2300 है तो अगर मैं बात करके चलता हूं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम मान के चलते हैं फोर तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस ब्रेकआउट तो यानी कि अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं इसका टारगेट क्या हो सकता है सो लेट मी टेल यू अबाउट द टारगेट एज वेल इसका जो टारगेट हो सकता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो सकता है दिस लेवल मतलब 2700 टू 2800 तक ये पॉसिबल है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जा सकता है एट अ मैटर ऑफ टाइम बात करते हैं परसेंटेज बेसिस में तो परसेंटेज जो आपको मिलेगा मिनिमम पंद्रह परसेंट से अट्ठारह परसेंट के बीच में आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं विद इन सिक्स टू एट मंथ्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आपको पता ही है कि कोविड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं वैक्सीन लगनी ही लगनी है तो ये लैब ये डायग्नोस्टिक लैब सेंटर्स ही हैं जो हमें मदद कर सकते हैं अगर हम स्टॉक मार्केट पर रहना चाहते हैं बात करते हैं स्टॉप लॉस की तो स्टॉप लॉस आई थिंक आई विल पुट एट दिस पर्टिकुलर लेवल ठीक है ये मेरा स्टॉप लॉस होगा हंड्रेड एंड सेवेंटी रुपीज का मतलब सात परसेंट का स्टॉप लॉस एंड टू वन टू थ्री तक का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज फाइन फॉर मी ठीक है आप लोगों को लग रहा है कि 170 का रिस्क स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बट आप प्रॉफिट भी तो देखिए आप कितना अर्न कर रहे हैं आप ऑलमोस्ट फिफ्टीन परसेंट आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फोर हंड्रेड पॉइंट का प्रॉफिट अर्न करके चल रहे हैं सो so, इसी के साथ इस वाले स्टॉक की हम लोगों ने बात कर लिया है लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टॉक एंड दैट इज थो केयर की बात करते हैं आप देख सकते हैं थायरो केयर आपको यहाँ स्टॉक का नाम शो कर रहा है एंड लेट मी टाइप इट अगेन फॉर यू गाइस ठीक है थायरो केयर की बात करते हैं एंड uh, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन अ क्लियर बेसिस ठीक है यहाँ पर हम लोग अपनी एनालिसिस करते हैं ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मी मेक अ ट्रेंड लाइन एनालिसिस एंड वट आई एम सीइंग इज बहुत ही बढ़िया आप यहाँ देख सकते हैं एक शार्प अप मूव अ कंसोलिडेट एंड इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल ब्रेकआउट देने के बाद आप देख सकते हैं जो इसका छोटा सा रेजिस्टेंस था दैट इज एट दिस पर्टिकुलर प्राइस इस लाइन को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं कि आप लोगों के लिए यह चीज क्लियर हो जाए ठीक है आपको हर चीज समझनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आप एक चीज देखिएगा आप यहां पर मी मेक इट क्लियर ब्रेकआउट दिया एट फ्रॉम दिस पॉइंट ब्रेकआउट देने के बाद दैट पर्टिकुलर पॉइंट बिकम इ्स सपोर्ट सेकेंड टाइम सपोर्ट जैसे इसने सपोर्ट को ब्रेक करा दैट सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस Eventually it gave a breakout from this particular resistance and it gave a retest. उसने दोबारा retest दिया इस particular लेवल पे आप यहां देख सकते हैं इस पे दिया है। है, अगर से करना करता तो बहुत बढ़िया रैली हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है ठीक है बात करते हैं टारगेट्स की एंड losses की तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर ऑल द ड्रॉइंग्स फॉर यू एंड me मेक इट वंस अगेन दिस पर्टिकुलर चैनल ओके सो so, यहां पर आप लोग देख सकते हैं लेट मी मेक इट क्लियर फॉर यू अगर यहां से मैं बात करूं बाय लेवल की तो आई थिंक जो हमारा फर्स्ट और जो मिनिमम टारगेट होगा वो होगा जो कि प्रीवियस हाई था प्रीवियस हाई की अगर मैं बात करूं तो व्हाट शुड बी आर पर्टिकुलर टारगेट ऑन अ परसेंटेज बेसिस ठीक है हमें तो परसेंटेज बेसिस पे काम करना है सो आई थिंक द टारगेट शुड बी अराउंड ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट हमारा टारगेट है जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं थारो केयर के अंदर केयर की बात करी थी ऑलमोस्ट ट्वेल्व टू फिफ्टीन परसेंट तक का टारगेट की हम लोगों ने बात करी सॉरी तो पर जो टारगेट आ कर सकते हैं है स्टॉपलॉसिस की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर लेवल ठीक है इस पर्टिकुलर लेवल मतलब सौ रुपए का रिस्टूड वॉट रिश्यू एंड आई थिंक इट्स फाइन मैं अभी भी कह रहा हूं अगर ये स्टॉक आप छह महीने के लिए नहीं अगर आप तीन साल के लिए भी रख लो तो भी ये स्टॉक बहुत बढ़िया है मैं आपको इसका मंथली चार्ट्स दिखाना चाहूंगा एंड आप क्लियर बेसिस पे देखिएगा कितना बढ़िया रिटर्न इसने जनरेट करा है विद इन अयर मतलब ईयर से पहले पहले भी इसने कितना बढ़िया रिटर्न जनरेट कराया लेटमी टेल यू

कि आपको ये स्टॉक क्यों बाय करना चाहिए मैं आपको सारे लॉजिक सारे रीजन सारे प्रूफ दिखाना चाहता हूं कि देखिए ये सारी चीजें बन रही हैं इसलिए हम लोग बाय सेटअप जनरेट कर रहे हैं इन दी एंड ये सारा डिसीजन आप लोगों का है कि आप लोग बाय करना चाहते हैं नहीं करना चाहते मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का सही से ओके एक अच्छी चीज और दिखाता हूं ये हमारा बना क्या एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पे आप देख सकते हैं स्टॉक ने सपोर्ट कहां लिया है सपोर्ट लिया है एग्जैक्ट 50 परसेंट लेवल पे यानी कि पॉइंट समझिए इसका जो चार रुपए से मूवमेंट आई है बारह सौ रुपए तक का उसका मिड कर लीजिए उसका 50 परसेंट कर लीजिए 50 परसेंट तक का ये फॉल हमें देखने को मिला फिफ्टी तक का फॉल देखने के बाद हमने क्या देखा आप देख सकते हैं एक विक कैंडल बनी एक रिजेक्शन कैंडल बनी उसके बाद एक बहुत बढ़िया कैंडल बनी सो so, यानी कि इसने एक रिवर्सल करा आप समझिएगा एक बहुत बढ़िया लॉन्ग ब्रेकआउट एक अप ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक उसके बाद एक छोटा सा पॉज ले रहा है मतलब बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है तो थोड़ा सा थक गया है अब थोड़ा सा नीचे रेस्ट कर रहा है उसके बाद दोबारा छलांग लगाएगा ठीक है तो वही सेम सिन इसके अंदर है और मैं अभी भी कह रहा हूं ये छे आठ महीने तो बीस परसेंट तो मैंने मिनिमम टारगेट बताया आपको मिनिमम टारगेट ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट तक का रिटर्न दे सकता अगर आपने इसे नौ महीने तक भी होल्ड करके रख लिया एंड दैट्स माई गारंटी ओके सो बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की एंड लास्ट स्टॉक जिसपे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं ठीक है ठेके? वो है न, रायना यस yes. इस स्टॉक की बात करते हैं मुझे लास्ट वर्ड अगर मैं आपको बताऊँ उसका लास्ट वर्ड मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था हृदय करके कुछ ऐसा था मैं आप पोस्ट कर दूंगा नाम आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा ओके okay? इस टॉक की बात करते हैं लेट्स मूव मूव टू अ डेली डेली टाइम टाइम फ्रेम फ्रेम ओके पे करते हैं उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूंगा इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में ठीक है इस कंपनी के बारे में आप देखेगा ये जो न्यूज आई है वो आई है फाइनेंशियल एक्सप्रेस के थ्रू ऑलमोस्ट मार्च ट्वेंटी को सेट अप टेस्टिंग ट्रेसिंग एंड जेनोमिक एनालिसिस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इन्होंने अपना जो सेंटर के अंदर कोविड वैक्सीन को सब लोगों को प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दिया एट दी एज ऑफ अबव 45 इयर्स एंड बहुत तेजी से ये ग्रो कर रही है बहुत ज्यादा सेंटर्स ये बना रही है अलग अलग जगह अलग, अलग अलग एरिया में एंड वहां पर सब लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करवा रही है एट द एज ऑफ अब फोर्टी फाइव एंड बिलो आई थिंक सेवेंटी फाइव ओके एंड यहां पर हम लोग देख रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से बहुत लो कॉस्ट में एंड बहुत अच्छे तरीके से कर रही है सो so ये कंपनी अभी तक ज्यादातर लोगों के रिमाइंडर में नहीं आई है ज्यादातर लोगों को इस कंपनी के बारे में नहीं पता बट आप लोग इस कंपनी का फायदा उठा सकते हैं लिट क्लियर दिस फॉर यू ठीक है so, बात करते हैं इस कंपनी के बारे में एंड यस सो सबसे पहले है ठीक है सो लेट्स मेक अ ट्रेंड एनालिसिस एंड क्लियर क्लियर पिक्चर फर्स्ट टाइम सपोर्ट सेकेंड टाइम सपोर्ट मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है इसी कैंडल के अंदर इसी ट्रेंडलाइन के अंदर प्लस लेटमी मेक अ टू हंड्रेड एक्सपोनशियल मूविंग एवरेज फॉर यू जो की मूविंग एवरेज होती है आप देख सकते हैं एग्जैक्ट उसी ट्रेंडलाइन पे ही इसने अपना सपोर्ट लिया है आप यहां को क्लियर पिक्चर दिख रही होगी एग्जैक्ट एंड थर्ड पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि डबल बॉटम टाइप सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर डबल बॉटम ठीक है आप देख सकते हैं लेट मी क्लियर दिस फॉर यू क्या कर रहा है स्टॉक ने स्टॉक नीचे आया ऊपर गया दोबारा नीचे आया क्रिएटेड अ डबल बॉटम एंड इस लेवल से ये दोबारा ऊपर जाने के बारे में सोच रहा है ठीक है सो अब हमें किस तरीके से इस पर ट्रेड करना है एक फैक्टर तो मैं पता लगा लिया अब दूसरे फैक्टर्स की भी बात कर लेते हैं ठीक है एक फैक्टर तो था जो कि ये लाइन बन रही है सेकेंड फैक्टर इज दिस आई थिंक ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा है ठीक है मल्टीपल बार ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा है एंड बाय करना है देखिए थारो केयर की हम लोगों ने बात करी मेट्रोपोलिस की बात करी दोनों को हम लोग करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं यहां थोड़ा अलग है लेवल बाय करने के लिए वो मैं आपको बता देता हूं ठीक है ये देखिएगा ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो कि फेस कर रहा है पर्टिकुलर स्टॉक जैसे ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है एक बहुत बढ़िया बाइंग हमें देखने को मिल सकती है ठीक है मैं इस कलर को थोड़ा सा डार्क कर देता हूं कि आप लोगों के लिए देखने में आसानी हो जाए यस yes. आप देखिएगा स्टॉक क्या कर रहा है ब्रेकआउट लेवल से सपोर्ट एंड अ सपोर्ट इट गेव अ ब्रेक डाउन फ्रॉम दिस लेवल इट गेव रीटेस्ट और दोबारा नीचे आए इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम सो ये लेवल एक छोटा सा इंपॉर्टेंट हर्डल है हो सकता है कि यहां से दोबारा नीचे आ जाए तो बट आपको क्या करना है आपको वेट करना है जैसे ही कैंडल इसके ऊपर क्लोज करी यू हैव टू गो फॉर अ बाय एंड लेट मी टेल यू अबाउट द टारगेट्स एज वेल ठीक है मैं आपको टारगेट्स के बारे में बता देता हूं ठीक है ये हमारा लेवल है हमें कब बाइंग करनी है देखिए करंट प्राइस की मैं बात करता हूं तो वो ट्रेड कर रहा है फोर थर्टी फाइव पे आपको बाय करना है थर्टी सिक्स की जैसी हमें क्लोजिंग मिलती है वी कैन गो फॉर अ बाय एंड आर मिनिमम टारगेट इस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 परसेंट देखिए थ्री स्टॉक्स मैंने बताया फॉर अ टारगेट ऑफ 20 परसेंट एंड आई थिंक आपका पोर्टफोलियो अगर आप एक लाख रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं तीनों स्टॉक्स के अंदर डिवाइड करते हैं कैपिटल एलोकेशन के थ्रू आप उसका आठ से छः महीने के अंदर बीस परसेंट अर्न कर सकते हैं गाइस और सात परसेंट छः परसेंट तो आपको एफ डी देता है तो इतना बढ़िया सेक्टर पर आप इन्वेस्ट करिए एंड आई थिंक आई एम गारंटेड यू कि ये स्टॉक्स बहुत अच्छा कर सकते हैं एंड लेट मी गिव यू अ डिस्क्लेमर एज वेल ये तीनों स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में है मतलब ये वाला स्टॉक मैंने अभी बाय नहीं करा आज बट थायरोकेयर केयर तो मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम से है मेट्रोपोलिस मैंने दो हफ्ते पहले ही बाय करा था एंड ये वाला पर्टिकुलर स्टॉक मैं बाय करने के बारे में सोच रहा हूँ ठीक है सो so, चलिए तब तक हम मिलते हैं वीडियो के एंड में आई होप मैंने आप लोगों को बहुत कुछ सिखाया होगा सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई होगी इसी के साथ मैं मिलता हूं आप लोगों से एंड में सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी एंड आप लोगों ने यहाँ पर कुछ सीखा भी होगा यस, कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था तो अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत सेफ रहना पड़ेगा जब भी आप बाहर जाएँ तो मास्क जरूर लगाइए सैनिटाइजेशन जरूर करिए एंड डेफ़िनेटली मैं आपसे बोलूंगा कि कॉन्टैक्ट ज़्यादातर लोगों से मत ही करिएगा ठीक है हम लोग देख रहे हैं कि कोविड में लॉकडाउन बहुत ज़्यादा लग रहा है अभी हमने देखा यूपी में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया नाइट कर्फ्यू स्टार्ट हो गया महाराष्ट्र में ऑलरेडी है एंड बहुत ज़्यादातर लगा लग रहा है तो प्लीज़ भी कॉशियस अपने ख्याल रखेंगे तो अपनी फैमिली मेंबर का भी आप लोग ख्याल रख सकते हैं तो इसी के साथ मैं एंड करता हूं इस वीडियो को आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी तो डोंट फोगेट टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड शेयर करिए अपने जितने दोस्तों फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ कर सकते हैं हर हमारी चैनल का मदद करिए रीच करने में तो मैं मिलता हूं आप लोग इस अगली वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय